हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेस्ट एकेडमी। आज हम एक कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो कि वीमा और वीमी सूत्र पे निर्भर है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमको दिया है एक कण का विस्थापन x इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब है। एक किसी कण का विस्थापन x क्या है, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब है, जहाँ a, b और c क्या है, कुछ वैल्यूज़ हैं, इनकी हमको वीमा ज्ञात करनी है। ए उनका क्या है, एक फैक्टर है, स्केलर फैक्टर है, जहाँ पर हमको ए बी और सी की क्या करनी है, वीमा ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे इसको, करते हैं। तो हमको दिया है, कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वीमी सूत्र। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड का, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर हम क्या करेंगे, इसकी वीमा लिखेंगे। तो हमने एक्स क्या है, विस्थापन है, विस्थापन की वीमा क्या होती है, एल होती है। ए हमको निकालना है, टी की बीमा क्या होगी, टी प्लस बी टी स्क्वायर की बीमा क्या होगी, टी, टाइम की बीमा टी हुई, इसकी पावर क्या है, टू है। और सी क्या है, सी तो आपको निकालना है, टी की बीमा थ्री, ठीक हो गया। एक्स क्या है, विस्थापन है, विस्थापन की बीमा एल। टी क्या है, समय, समय की बीमा टी, टी स्क्वायर, समय का घात दो हो गया, टी क्यूब, समय की घात तीन। अब क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, ये क्या होगा, इसके बराबर होगा, इक्वेशन वन। सिमिलरली ये किसके बराबर होगा, ये भी इसके बराबर होगा, बी टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ये क्योंकि ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है, और ये इसके बराबर भी है, तो हम लिखेंगे सी टी का क्यूब। तो अब यहाँ से इक्वेशन वन से आप ए की बीमा निकाल सकते हैं, इक्वेशन टू से बी की बीमा निकाल सकते हैं, इक्वेशन थ्री से सी की बीमा निकाल सकते हैं। ए की बीमा निकालिए, तो ए की बीमा क्या हो जाएगी, ये टी क्या होगा, इसके नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एल अपॉन टी, और एल अपॉन टी का मतलब एल टी माइनस वन। बी की बीमा कैसे निकालोगे आप, बी की बीमा क्या हो जाएगी, एल अपॉन टी की पावर टू, इक्वेशन टू से, तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू। ऐसे ही आपका इक्वेशन थ्री से आपका सी की बीमा निकल जाएगी, सी की बीमा क्या होगी, एल अपॉन टी की पावर थ्री, और ये क्या हो जाएगा एल टी माइनस थ्री। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे वीमी सूत्र की हेल्प से निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में ए की बीमा होगी एल टी माइनस वन, बी की बीमा होगी आपकी, वीमी सूत्र हो गया आपका एल टी माइनस टू, और सी की बीमा होगी आपके एल टी माइनस थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी वस्तु की घूर्णन गति ऊर्जा समीकरण ई के इजिकल टू वन बाई टू आई ओमेगा स्क्वायर है। तो हमको दिया है किसी वस्तु की जो है घूर्णन गति ऊर्जा कितना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये एक फॉर्मूले से हमको प्रदर्शित किया गया है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, जहाँ ओमेगा क्या है उसका कोणीय वेग है, और आई क्या है उसका जड़त्व आघूर्ण है। हमको इस क्वेश्चन में दिया है कि उस किसी वस्तु की घूर्णन गति ऊर्जा क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, जहाँ आई क्या है उसका जड़त्व आघूर्ण है, और ओमेगा क्या है उसका कोणीय वेग है। हमको क्या निकालना है, इस इक्वेशन की हेल्प से हमको निकालना है आई का विमी सूत्र क्या होगा। तो कैसे निकालें, करते हैं। तो हमको दिया है घूर्णन गति ऊर्जा ई के इजिकल टू दिया है हमको 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया। ओमेगा क्या है आपका कोणीय वेग है, और आई क्या है आपका जड़त्व आघूर्ण है, ये क्वेश्चन बोल रहा है हमको। तो हमको क्या निकालना है, आई का विमी सूत्र निकालना है। तो हम सबसे पहले आई वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, आई इजिकल टू क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, टू ई के अपॉन ओमेगा स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, टू यहाँ चला गया, ओमेगा स्क्वायर नीचे आ गया, तो आई ये हो गया। तो अब इसके गति, अब इसका विमी सूत्र निकालना है, तो दोनों साइड का विमी सूत्र क्या, आई का विमी सूत्र क्या होगा, इसको ब्रैकेट ब्रैकेट से लिखिए, टू क्या है बीमा रहित है, एक कांस्टेंट है, नियतांक है, इसकी कोई बीमा नहीं होगी। ये क्या है, ऊर्जा है, घूर्णन गति ऊर्जा। ऊर्जा का क्या होता है, जो कार्य का समीकरण, जो विमी सूत्र होता है वही ऊर्जा का होता है, जो जूल का होता है, कार्य का होता है। तो अब ये क्या होता है, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो हम कहेंगे अगर आप निकालेंगे इसको ऊर्जा का, एम एल टू टी माइनस टू होगा। कैसे होगा ये अभी मैं निकाल के दिखा सकता हूँ आपको। और ओमेगा की डायमेंशन जो होती है, ओमेगा का जो विमी सूत्र होता है वो क्या होता है, टी की पावर माइनस वन।
टी की पावर माइनस वन की पावर क्या हो जाएगा, ये टू। तो ये कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टी माइनस टू। तो ये टी माइनस टू ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू प्लस टू। तो ये क्या हो गया आपका, एम एल टू टी जीरो, और इसी को हम लिख सकते हैं एम एल टू। तो इस समीकरण में जो I का विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, I इज इक्वल टू एम एल टू, एम एल की घात टू। अब आप कहेंगे कि ये ऊर्जा की, ऊर्जा का विमीय सूत्र ये कैसे निकला, तो हम ऊर्जा का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ऊर्जा E इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वही विमीय सूत्र होता है जो आपका कार्य का होता है। तो कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, दैट इज बल गुणा विस्थापन। बल का क्या होता है आपका जानते हैं आप, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान हो गया m, त्वरण क्या हो गया lt माइनस टू, ये हो गया आपका बल का, गुणा विस्थापन, विस्थापन को हम क्या लिखेंगे l, तो कितना हो जाएगा m l2 t माइनस टू। तो ये विमा बहुत इंपॉर्टेंट है ऊर्जा की, जिसको हम जूल से प्रदर्शित करते हैं, कार्य को भी हम जूल से प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए आपको ये याद रखना होगा क्योंकि बहुत जगह काम आएगा। तो E इज इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू, ये क्या है, घूर्णन गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र या कार्य का विमीय सूत्र। तो हमने यहाँ पर ये रखा है और डिवाइडेड बाई ओमेगा, ओमेगा क्या हुआ रेडियन पर सेकेंड, रेडियन क्या है, रेडियन की कोई यूनिट नहीं होती है, पर सेकेंड, पर सेकेंड का मतलब वन अपॉन टी, और वन अपॉन टी का मतलब टी की पावर माइनस वन। तो इसलिए हमने टी की पावर माइनस वन ओमेगा की जो आपको यहाँ पर विमीय सूत्र लिखा है, और इसकी पावर टू है तो ये टी की पावर माइनस टू हो गया, टी की पावर माइनस टू पर जाके प्लस टू हो गया, प्लस टू हो गया तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो ये किसी भी संख्या की पावर अगर हम जीरो लिखते हैं वो क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा एम एल टू, टी की पावर जीरो क्या हो गया, वन हो गया। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी क्वेश्चन में किसी भी भौतिक राशि की जो है विमा निकाल सकते हैं। धन्यवाद।